ट्रांसलेशन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज हम फिर से आपके लिए एक और हिंदी का पैसेज लेकर आए हैं और आपको इसे ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी वीडियोज आ रहे हैं इसको आप रेगुलरली जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा आज का पैसेज है कि एक बार एक घर में चोर घुस आया। एक बार एक घर में चोर घुस आया। अब ये देखने पे लग रहा है जो स्टोरी है ये पास्ट टाइम की है। एक बार एक घर में चोर घुस आया, वैसे भी लास्ट में आया हुआ है, यानी कि ये पास्ट टाइम की बात इसमें हो रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार के लिए वंस का यूज कर देंगे। एक बार के लिए सबसे पहले वंस का यूज कर देंगे और इसके बाद एक चोर घर में घुस आया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक चोर है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ थीफ। वंस अ थीफ। अब घुस आया, इसके लिए आप सीधे एंटर का यूज कर सकते हैं, तो एंटर्ड यहाँ पे हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। एंटर्ड अ हाउस, हो गया वंस अ थीफ एंटर्ड अ हाउस। एक बार एक चोर एक घर में घुस आया, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। इसमें देखिए स्टोरी में अभी तक ये सबसे पहले यूज हो रहा है और देखिए यहाँ पे स्टोरी में थीफ का मेंशन सबसे पहले हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का यूज करेंगे और हाउस का भी मेंशन पहली बार हो रहा है तो इसके भी पहले अ का यूज करेंगे। अब इसके बाद जब भी कभी घर की बात होगी या फिर चोर की बात होगी तो उसके पहले द का यूज करेंगे। और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंटर्ड का यूज किया गया है। और एक बात और भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कभी भी मे के लिए अगर आप एंटर का यूज कर रहे हैं तो एंटर के बाद कभी भी मे के लिए इन का यूज नहीं करते हैं, तो एंटर इन नहीं होता है, एंटर के बाद सीधे आप ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो गया वंस अ थीफ एंटर्ड अ हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है कि उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, तो उसे मिला यानी कि उसने पाया, तो यहाँ पे हो जाएगा ही फाउंड या फिर ही सॉ। यहाँ पे फाउंड या फिर सॉ का यूज कर सकते हैं, ये भी पास्ट का ही है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे आया ही फाउंड, उसने पाया या उसे मिला। क्या मिला, एक कुत्ता, अ डॉग। ही फाउंड अ डॉग। अब कहाँ पे मिला, आंगन में, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इन द यार्ड या फिर कोर्ट यार्ड, पूरा लिख सकते हैं इन द कोर्ट यार्ड। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, he found a dog in the courtyard। अब इसके बताया हुआ है कि जो बड़ा स्वामी भक्त था, जो बड़ा स्वामी भक्त था। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का जो पैसेज आपको दिया जाता है उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखे रहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है किसके लिए कौन सा वर्ड यूज करें। जैसे यहाँ पे आ गया स्वामी भक्त। अब स्वामी भक्त होने का मतलब क्या है, लॉयल होना, वफादार होना, अपने स्वामी के प्रति वफादार होना। तो यहाँ पे स्वामी भक्त के लिए आप सीधे लॉयल का यूज कर सकते हैं, तो जो के लिए यहाँ पे विच का यूज करेंगे क्योंकि कुत्ते की बात हो रही है, ये कोई पर्सन नहीं है, एक कुत्ता है यानी एक जीव है, इसलिए इसके पहले विच का यूज करेंगे क्योंकि ये जानवर है। तो जो था यानी कि विच वॉज, सबसे पहले लिखेंगे जो था यानी कि विच वॉज अ बड़ा स्वामी भक्त यानी वेरी लॉयल, विच वॉज वेरी लॉयल। यहाँ पे बड़ा वर्ड तो आया है लेकिन बड़ा का मतलब यहाँ पे साइज में बड़ा होने से नहीं है, यहाँ पे बड़ा का मतलब बहुत से है, कि वह बहुत स्वामी भक्त था यानी बहुत वफादार था, तो हो गया विच वॉज वेरी लॉयल, जो बहुत वफादार था। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। तो ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, अगर ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जहां पे एक्शन हो रहा है, एक्शन जहां पे हो रहा है वहीं पे आप कौन लगा के क्वेश्चन करिए कि कौन या किसने फेंक दिया। तो आंसर क्या मिला, चोर ने फेंक दिया। तो सबसे पहले आपको इतना ही ट्रांसलेट करना है, चोर ने फेंक दिया, तो चोर का मेंशन यहां पे दोबारा हो रहा है तो यहां पे द थीफ आएगा, द थीफ फेंक दिया। यहां पे आ वाला साउंड आ रहा है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो थ्रो मीन्स फेंकना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे थ्रू, द थीफ थ्रू, चोर ने फेंक दिया। अब क्या फेंक दिया, गोश्त का एक टुकड़ा, गोश्त का एक टुकड़ा है यानी कि अ पीस ऑफ मीट, तो
थीफ यानी चोर ने थ्रू यानी फेंक दिया अ पीस ऑफ मीट यानी गोश्त का एक टुकड़ा। अब कहां फेंक दिया? उसकी ओर। अब कहां पे फेंक दिया? उसकी ओर। तो की ओर के लिए एक प्रेपोजिशन आता है टुवर्ड्स, तो यहां भी आपको टुवर्ड्स का यूज करना होगा। जहां कहीं भी की ओर आता है उसके लिए आप टुवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो द थीफ थ्रू अ पीस ऑफ मीट टुवर्ड्स, और उसकी ओर है तो कुत्ते के लिए यहां पे प्रोनाउन इट का यूज करें, उसकी ओर, टुवर्ड्स इट। बट यहां पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और भी चीज बचा हुआ है, कुत्ते को चुप कराने के लिए, कुत्ते को चुप कराने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को भी सबसे पहले कर सकते हैं कि टू साइलेंस द डॉग, टू साइलेंस द डॉग, कुत्ते को चुप कराने के लिए। ये वाला पोर्शन आप सबसे पहले भी लिख सकते थे। मान लीजिए अगर आपने पहले नहीं लिखा तो इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे प्रोनाउन इट का यूज किया है तो यहाँ पे इट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें आया हुआ है कुत्ते को चुप कराने के लिए। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द डॉग कर देंगे, टुवर्ड्स द डॉग, यानी कुत्ते की ओर फेंक दिया। अब किस लिए? टू साइलेंस इट, टू साइलेंस इट, यानी कि उसे चुप कराने के लिए। तो पहले नाउन का यूज, उसके बाद प्रोनाउन का यूज यहाँ पे करेंगे। तो क्या, द थीफ थ्रू अ पीस ऑफ मीट, यानी कि चोर ने मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया टुवर्ड्स द डॉग यानी कुत्ते की ओर, टू साइलेंस इट यानी उसे चुप कराने के लिए। अब इसके बाद देखिए, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, यह देखकर, देखकर आ गया इसमें। तो जब भी कर करके हुए आता है तो पार्टिसिपल होता है, तो यहाँ पे देखकर के लिए क्या हो जाएगा? सीइंग, देखकर आया है तो सीइंग दिस हो जाएगा, सीइंग दिस या फिर सीइंग इट, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, किसने किसे कहा? कुत्ते ने, यानी कि द डॉग, आप एक कॉमा लगा देंगे फिर लिखेंगे द डॉग कहा, सेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म आएगा सेड, द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा किससे? चोर से। तो सेड के बाद भी हमेशा टू का यूज करते हैं तो हो जाएगा टू द थीफ, द डॉग सेड टू द थीफ, कुत्ते ने चोर से कहा। अब जब भी किसी स्टोरी में ऐसा आ जाता है कि उसने उससे कहा, यानी किसी ने किसी से कुछ कहा, तो उसके द्वारा कही गई जो बात है वो अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखा गया है, कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है, तो ऐसा जब भी होगा तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के वो जैसा लिखा है बिल्कुल एज इट इज उसको ट्रांसलेट कर लिया जाए। अगर आप कॉमा को हटाने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो सेंटेंस आपका होगा कॉमा के अंदर वाला, उसको पूरा इनडायरेक्ट स्पीच के रूल से लिखना पड़ेगा, जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं। तो इससे बेटर है कि सीधे यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर देंगे और जैसे सेंटेंस है वैसे ट्रांसलेट करते जाएंगे। क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं भूखना बंद कर दूं? तुम चाहते हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? यू वॉन्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम चाहते हो, ते हो आ गया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो इसके साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू वॉन्ट, तुम चाहते हो। अब किससे चाहते हो? मुझसे चाहते हो, यहाँ पे मी हो जाएगा, यू वॉन्ट मी कि मैं भूखना बंद कर दूं, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, टू स्टॉप, यू वॉन्ट मी टू स्टॉप, यानी तुम चाहते हो कि मैं बंद कर दूं, क्या करना? भौंकना। तो स्टॉप या फिर स्टार्ट, ये दो वर्ब अगर कहीं पे आते हैं तो उसके बाद जेरेंड का यूज किया जाता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो भौंकना यहाँ पे है तो बार्क का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, बार्किंग। तो यू वॉन्ट मी टू स्टॉप बार्किंग, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, और तुम मेरे मालिक के कपड़े और गहने चुरा ले जाओ। तो और के लिए यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड यू स्टील, चुराने के लिए क्या होगा? स्टील, एंड यू स्टील द क्लोथ्स, द क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, कपड़े और गहने हैं तो गहने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ज्वेलरी, The clothes and jewelry of my, मेरे मालिक के हैं तो of my, और मालिक के लिए यहाँ पे आप master का use कर सकते हैं, of my master।
तो कुत्ते ने चोर से कहा, इसके लिए हो गया द डॉग सेड टू द थीफ। अब क्या कहा, यू वॉन्ट मी टू स्टॉप बार्किंग, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, एंड यू स्टील द क्लोथ्स एंड ज्वेलरी ऑफ माई मास्टर, और तुम मेरे मालिक के गहने और कपड़े चुरा लो। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब इसके बाद वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी कि दिस कैन, सकता यहाँ पे आया तो कैन का यूज कर देंगे दिस कैन, और कभी नहीं है तो नेवर का यूज करेंगे दिस कैन नेवर, और होना के लिए हैपन का यूज कर सकते हैं दिस कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, या फिर इट कैन नेवर हैपन भी कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो सकता, सकता आया इसलिए कैन का यूज इसमें किया गया है। और इसके बाद उसने क्या कहा कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, यानी कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, यानी कि आई एम नॉट सो, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। अब ऐसा मूर्ख यानी कि सो फूलिश, आई एम नॉट सो फूलिश, मैं इतना मूर्ख नहीं। अब की के लिए यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे, की भी आया हुआ है तो उसके लिए दैट का यूज होगा। तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूंगा, लगूंगा फ्यूचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे दैट आई विल स्टार्ट, आई के साथ आप विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, आई विल स्टार्ट, मैं खाने लगूंगा का मतलब मैं खाना शुरू कर दूंगा, तो यहाँ पे शुरू करने के लिए स्टार्ट आ गया, दैट आई विल स्टार्ट कि मैं शुरू कर दूंगा खाना, यानी कि ईटिंग। अभी आपको बताया गया है कि स्टार्ट और स्टॉप के बाद हमेशा आई एन जी फॉर्म आता है, हो गया दैट आई विल स्टार्ट ईटिंग कि मैं खाना शुरू कर दूंगा यानी खाने लगूंगा, क्या खाने लगूंगा, तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त, तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त, तो तुम्हारा के लिए सीधे यहाँ पे योर का यूज करेंगे, और फेंका हुआ गोश्त, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, फेंका हुआ आया हुआ है, जैसे कहीं पर है गिरा हुआ तो उसके लिए फॉलन हो जाएगा, सड़ा हुआ रॉटन हो जाता है, उसके लिए थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं जब वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो फेंका हुआ के लिए यहाँ पे थ्रो मींस फेंकना होता है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे थ्रोन, योर थ्रोन मीट, गोश्त के लिए मीट का यूज किया गया। तो आई एम नॉट सो फूलिश, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं दैट आई विल स्टार्ट ईटिंग कि मैं खाने लगूंगा योर थ्रोन मीट, तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त। और इसके बाद क्या है, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, तो इसके लास्ट में आ है वाला साउंड आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, आ है, ई है, ए है वाला जब साउंड आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूप से बनाते हैं। और ये क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव होता है। अब हैज या हैव इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमने यानी कि यू है, और यू के साथ हैव का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू, क्या तुमने समझ लिया है, समझना के लिए यहाँ पे कंसीडर का यूज कर सकते हैं, तो कंसीडर का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा कंसीडर्ड, तो हैव यू कंसीडर्ड मी, क्या तुमने मुझे समझ लिया है, अब क्या समझ लिया है, बेईमान यानी कि डिसऑनेस्ट, ये हो गया Have you considered me dishonest? क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है? तो इस तरह से friends ये पूरा का पूरा passage आप translate कर सकते हैं।